प्रभु श्री राम का वंदन करते हुए मैं रिपुतन अश्वस्थ माननीय निर्णायक मंडल एवं सभागार में उपस्थित सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सबके हितकारी प्रभु श्री राम, सबके अपने अपने राम। जानकी के राम कैसे थे वह इस गीत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। इस गीत के रचनाकार है श्री अमन अक्षर जी। सुने, जो है इस कथा के प्राण उनका प्राण जानकी, जो है इस कथा के प्राण उनका प्राण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग, पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग। युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग, युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। जो न थे किसी के राम, राम थे खड़े अलग। जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। इस कथा से है बड़ा अलग विधान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी, राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। कि राम जिसके हो गए सहज सुजान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया। अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। जानकी ने इसको अर्थ धर्म से बढ़ा दिया, धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया, धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। भावना से भी अधिक अर्थवान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। धन्यवाद।